हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। अच्छा, आप लोगों में से किसी का कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी ब्लॉग शेयर करो, ब्लॉग शेयर करो। आई वाज लाइक ओके, शेयर करती हूँ। मैंने सोचा आज से मैं ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट करती हूँ। आज ना मुझे कहीं पार्टी में जाना है, मतलब मेरे फैमिली में ही। फिर अच्छा, मैंने बाल भी कटवा ही लिए थे गाइस। तो मुझे ना पार्टी में जाना है, तो उसके लिए मुझे बहुत काम है। और अभी सुबह के पता कितने हो रहे हैं, सुबह छोड़ो दिन हो गई होगी 11:30, और अभी तक मैं सो रही थी। मुझे तो किसी ने आके गेट खटखटा के उठाया, लिटरली मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं था। ओके, सो अभी जल्दी से काम करूंगी थोड़ा बहुत। बहुत स्पेशल सा कुछ मुझे बनाना है, मतलब कि खाने के लिए बनाना है। और उसके बाद झाड़ू पोछा, ये सब। उसके बाद अपने आप को भी तो मेंटेन करना है। मैंने दो ड्रेसें सिलेक्ट करके रखी हैं। एक मिनट में मैं आपको दिखाऊं। एक तो ये ब्लैक ड्रेस जो मैंने अपने बर्थडे में लाइव में पहनी थी, अगर किसी को याद हो तो, ये ब्लैक ड्रेस ये। एंड एक मेरे पास ब्लू थी, वो कहाँ गई, वो अंदर है, बट फिर वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी बाद में, काम वाम करने के बाद। ये मैंने नेल एक्सटेंशंस कराए थे और ये मैंने सब चेंज कर दिया, बाल भी कटवा दिए, चश्मा भी लगाने लगी, नेल एक्सटेंशन कराए। अच्छा, इफ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे वीडियो और ब्लॉग में दोनों में बने रहना प्लीज। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट गेट स्टार्टेड। गाइज, मैंने ना वॉइस ओवर कर दिया था बिकॉज यहाँ पे मैं मम्मी से बातें वगैरह कर रही थी, और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि मम्मी वहाँ बैठ बैठ के झाड़ू लगा रही थी, बिकॉज यार मम्मी चल नहीं पाती है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ पे चदरे वगैरह लपेटना स्टार्ट कर दी। हमको घर भी शिफ्टिंग करना है, तो उस वजह से मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ, बट यार थोड़ी बहुत सफाई तो करनी ही पड़ती है ना गाइज यार। ओके, तो शिफ्टिंग व्लॉग में बनाऊँ या ना बनाऊँ, आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। अच्छे से यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने कर ली, और यहाँ पे मम्मी बैठ बैठ के झाड़ू लगा रही थी धीरे धीरे धीरे। ओके, उसके बाद ना मैं रंगोली बनाने के लिए बैठ गई थी। मैंने सोचा मैं बाहर बैठ जाती हूँ, और सडनली मुझे ऐसा मन किया, हाँ मेरे पास टाइम बहुत कम था, हाँ लेकिन फिर भी मुझे ऐसा था कि यार थोड़े से कलर्स है तो मैं कुछ क्रिएटिव करूँ, लाइक रंगोली बनाऊँ। तो मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था, मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट कर दी। कुछ नहीं यार, बस एक तो ये नेल्स एक्सटेंशन लगे हुए थे ना यार मेरे हाथों में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे न जाने हाथ किसने मेरे पकड़ लिए हो। और यहाँ से दर्शु आ गया, इधर आओ, कम कम कम, घुस गया घर के अंदर। ओके, वापस से मैंने यहाँ पे रख दिया अपना फ़ोन, और यहाँ पे मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट कर दी थी। वो तो आ ही नहीं रहा था यार, तो मैंने उससे बात ही नहीं की ज़्यादा। अच्छा, आप लोग कमेंट, आप लोग ने किसी में मुझे आप लोग ने कमेंट किया था कि खुशी आप व्लॉग बनाया करो, तो मैंने सोचा ठीक है मैं व्लॉग ही बनाऊँगी। ये रंगोली तो देखो क्या है यार, हे भगवान। मम्मी ये वाली रंगोली अच्छी है, वाह लुकिंग कूल, गुड गुड। मेरी पता नहीं कैसी है। ओके, अभी यहाँ पे मैंने सोचा मैं स्टार्ट करती हूँ अपना बनाना। मैंने यहाँ पे बनाया था आज सब्जी, कुछ बनाया था यार, छोड़ो ना यार, तो सब्जी। एंड उसके बाद वहाँ मम्मी बैठी थी, और मेरा अभी सफर कुछ नहीं हुआ था, और ऑलरेडी मुझे 1-2 बज ही चुके थे। बट मुझे ऐसा था कि भाई मुझे 5 बजे तो कोई भी हालत में निकलना है, बट फिर भी लेट होते 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 मुझे बहुत टाइम लग गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सब्जियाँ वगैरह काटने मैंने सोचा रख देती हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एप्पल खाया, एप्पल खाने का मेरा मन कर रहा था। मुझे सुबह सुबह यार होती है क्रेविंग, होती है सुबह सुबह कुछ खाने का मन करता है। गाइस अभी मैं जल्दी से एप्पल खा ले रही हूँ, मम्मी इतना चिल्ला रही है ना यार, लिटरली नहीं आई है मम्मी, तो मैं एप्पल खा ले रही हूँ, उसके बाद मैं खाना वाना बना लेती हूँ। खाना बना लेती हूँ, आपने देखो मेरी रंगोली कैसी बनी थी।
गाइज अभी ना मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ जल्दी से, और मैं खाना बनाने के बाद ही आपसे मिलूंगी, ठीक है? मैं जब रोटियाँ बनाऊंगी ना उस टाइम आपसे मैं बात करूंगी। अभी बहुत ये हो रहा है, मतलब इधर उधर मैं सब्जी बना लूँ उसके बाद आपसे मैं मिलती हूँ, क्योंकि अभी कुछ नहीं हुआ है। मुझे जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि मुझे जाना है 5 बजे, दैट्स वाई। इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके गाइस, अभी मैंने खाना वगैरह खा लिया है और सब कर लिया, खाना बना भी लिया, मम्मी ने भी खा लिया जैसे कि आपने देखा ही। और अभी मैंने ब्लू कलर की ड्रेस निकाली है, अभी मैं नहाने जा रही हूँ। नहा के उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी वगैरह होंगी। ओके, यहाँ पे मैंने नहा करके जो मुझे ड्रेस पहन के जानी थी ना बर्थडे में, वो मैंने पहन ली थी। ये ड्रेस ना मेरी फ्रेंड की है, मेरी है ही नहीं ये ड्रेस, बट मुझे कुछ ऐसा पहनना था यार, मेरा मन कर रहा था ऐसा पहनने का। ये मैंने ड्रेस पहनी। यहाँ पे मैंने ना फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मॉइस्चराइजर आप स्किप मत करना, सनस्क्रीन स्किप मत करना। मैं थोड़ा सा ना टिंग देने के लिए, थोड़ा सा जान देने के लिए यहाँ पे NYB का ना ये था स्ट्रोब क्रीम, ये पिंक कलर वाली थी, पिंक टोपाज इसका शेड था। ओ माय गॉड, इतना सही लगता है ना। अगर आपको कुछ नहीं लगाना है ना तो आप ये वाली क्रीम ट्राई करो, बस आपको ये लगाने के बाद एक नेचुरल सा मस्त वाला ग्लो प्रोवाइड हो जाएगा और कुछ नहीं, कुछ भी आपको वाइट कास्ट वगैरह ऐसा कुछ भी लगेगा नहीं। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब फिर मैंने फिटमे का ये मेबलिन का लिया फाउंडेशन, मेरी ये ना बिल्कुल डिटो मेरे शेड के अकॉर्डिंग एकदम मैच कर जाता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा सटल वाला और नेचुरल सा मेकअप रखना था, तो जस्ट मैंने ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड कर दिया। मुझे बहुत नेचुरल सा मेकअप चाहिए था, मुझे चाहिए मेकअप मतलब चाहिए नहीं था, हाँ स्टिल मुझे लगाना था बट मेकअप मुझे नहीं चाहिए था। तो मैंने एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दिया, फिर इसके बाद इसकी हेल्प से ब्लेंड नहीं हुआ तो मैंने स्विस ब्यूटी वाली ब्रश से ब्लेंड किया, उससे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ यार, ये क्या कर रही थी मैं, हाँ यहाँ पे ना मैं हाँ मस्कारा लगा रही थी, मस्कारा। मैंने आईलाइनर, हाँ आईलाइनर भी मैंने लगाया था यार, आईलाइनर आई थिंक मैंने वीडियो स्किप कर दी वो, आई थिंक रेने कॉस्मेटिक का ये था लिप वाला शाइनर था, ग्लॉस था, वो लगा लिया मैंने, बहुत अच्छा कलर था। यू कैन सी इतना इंग्लिश वाला मस्त कलर, हल्के से बालों में स्ट्रेटनर चलाया हल्का सा, बिकॉज मैंने बाल शॉर्ट कराए ना स्ट्रेट अच्छे लगते हैं। एंड थोड़ा सा वही लिपस्टिक से ही मैंने लिप एंड चीक टिंट लगा ली थी, चीक टिंट एंड दैट्स इट, और ज़्यादा मैंने कुछ किया ही नहीं आज। ओके गाइस, अभी मैं जा रही हूँ मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ। अभी जैसा है ऐसे ही जाना पड़ेगा, अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ आई डोंट नो। मैंने बुआ से बताया, हाँ।
निकाल लो आवाज। बुर 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 कैसे करता है बाबू? शौक में है भाई। पता चल रहा है फोटो खींच रही है। हाँ बच्चे चालू। तरुण जीजू को भेज दे। ए इधर 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 देखो कभी इधर देख कहाँ खचक गई तुम नीचे। हाँ रुको भाई। फिर ना गाइस हम लोग होटल पहुंच गए थे, तो उसके बाद क्या था ना कि सब्जियां थी मस्त, मतलब वेज, मतलब ये पनीर था या पनीर था और खुद ही से लेना था तो हम लोग खुद ही से सर्व कर रहे थे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी पनीर ली बिकॉज मेरा बिल्कुल मन नहीं था खाना खाने का। ऐसा पहली बार हुआ कि मैं होटल गई हूँ और मुझे मन ना किया हो, क्योंकि यार नहीं था बस मतलब था कोई रीज़न। मेरा मूड ख़राब होता है तो मेरा मन नहीं होता खाना खाने का, और परिवार वालों के बीच में ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके यहाँ पे मैंने बस नान लिया था एक एंड दैट्स इट। इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको इतनी शर्म आ रही थी आई डोंट नो भाई। ओके यहाँ पे वो छोटी बेबी देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है यार। हम लोग सब लोग ने ऐसे डिनर कर लिया अच्छे से, ये पूरी मेरी फैमिली है, सब ने अच्छे से डिनर कर लिया एंड दिस दैट्स इट। यही था आज का मेरा व्लॉग। और मैंने कोशिश की थी क्योंकि आप लोग में से ही किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आपका व्लॉग ज़्यादा बेस्ट होता है आपके मेकअप ट्यूटोरियल से, सो आई वाज लाइक ओके मैं करती हूँ। ये सारी मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। अरे बेबी आज उसका बर्थडे था, ये जो दो बेबी थे ना उसमें से एक था ना चाइनीज लग रहा था वैसे। और फाइनली मैं घर आ गई थी और उसके बाद मैं सोने जा रही थी या उसके बाद मैं थोड़ा सा गई थी थोड़ा अपने फ्रेंड के साथ काम से एंड उसके बाद घर आके मैं सो गई थी। ओके आज की वीडियो यही थी। ओके बाय 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 बाय। कमेंट करना।